दोस्तों जो बीडन की तरफ से एक बहुत ही बड़ा डिसीजन लिया गया है, तो दोस्तों आप इस आर्टिकल पर नजर डालिए और इस आर्टिकल में साफ साफ बताया गया है कि अगर रशिया की तरफ से यूक्रेन पर न्यूक्लियर अटैक कर दिया जाता है तो उसके रेस्पॉन्स में अमेरिका रशिया के ऊपर जवाबी कार्रवाई करेगा। और इसी बात को लेकर अमेरिका ने एक टाइगर टीम बनाई है और इस टाइगर टीम में अमेरिका के हर फील्ड के एक्सपर्ट को रखा गया है और ये टीम 24/7 जो बिडेन के कांटेक्ट में रहेगी। और अगर रशिया ने यूक्रेन के ऊपर परमाणु हमला कर दिया तो यही टीम आने वाले टाइम में रशिया पर जवाबी कार्रवाई करेगी। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि यूक्रेन तो नेटो का मेंबर भी नहीं है, फिर यूएस रशिया के ऊपर जवाबी कार्रवाई क्यों करेगा? तो दोस्तों आपको बता दे कि अगर रशिया की तरफ से यूक्रेन पर न्यूक्लियर अटैक किया जाता है तो न्यूक्लियर बम की रेडिएशन पोलैंड और रोमानिया तक पहुंच जाएगी, जिस वजह से अमेरिका ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि अगर ऐसा होता है तो हमारा आर्टिकल 5 पूरी तरीके से एक्टिव हो जाएगा और उसके तुरंत बाद ही नेटो के 30 देश रशिया के ऊपर चढ़ाई कर देंगे। और दोस्तों आपको बता दे कि ऐसा नहीं है कि अमेरिका ने इस टाइगर टीम को पहले बनाया हो, इससे पहले भी अमेरिका 1970 में टाइगर टीम को बना चुका है। उस दौरान इस टाइगर टीम ने अपोलो 13 मिशन को क्रैश लैंडिंग होने से बचाया था और अपोलो 13 मिशन में जितने भी यात्री थे उन सभी को अमेरिका की टाइगर टीम की मदद से ही जमीन पर सेफली लैंडिंग कराई गई थी। और दोस्तों आपको बता दें कि कुछ रिपोर्ट्स में तो ये भी दावा किया जा रहा है कि अमेरिका ने अब अपनी न्यूक्लियर मिसाइलों को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना भी शुरू कर दिया है और अब अमेरिका ने अपनी न्यूक्लियर मिसाइल के सिलो को भी बदलना शुरू कर दिया है, क्योंकि जितनी भी पुरानी सिलो हैं उन सभी की सभी सिलो की इंफॉर्मेशन रशिया के पास है और इसीलिए ही अब अमेरिका ने अपनी न्यूक्लियर मिसाइल और अपने न्यूक्लियर स्टोरेज को चेंज करना शुरू कर दिया है। और दोस्तों आपको बता दे कि सिलो का मतलब क्या होता है। सिलो वो होता है जहां पर आप अपनी किसी भी परमाणु मिसाइल को छिपा कर रख सकते हैं और इसी को ही हम सिलो बोलते हैं। लेकिन दोस्तों ये देखना अहम होगा कि क्या रशिया की तरफ से यूक्रेन पर परमाणु हमला किया जाता है या फिर नहीं। दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या रशिया इस अटैक को अंजाम देगा या फिर नहीं? आप इस बात का आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।